हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने मैकेनिक्स एंड उसकी सब ब्रांचेस पढ़ी हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पढ़ी है, रेस्ट एंड मोशन पढ़ी है, दोनों को किस तरह से रिलेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात हमने पढ़ ली है। और साथ साथ हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद एग्जांपल और ग्राफ हमने बात कर ली है। आज हम पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से मिलकर जो स्पीड एंड वेलोसिटी बनती है और वेलोसिटी से जो एक्सीलरेशन बनता है, तो तीनों की बात स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, स्पीड क्या है? स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में आपको किस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वो होगी स्पीड। हमने वेलोसिटी, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हो जाएगी वेलोसिटी। जिस तरह से अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम जो स्पीड आती है वो भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा जो कि वेक्टर क्वांटिटी थी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो बेसिक नॉलेज ये रही आपकी। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि इसके डेफिनेशन फार्मूलाज वगैरह किस तरह से लिखते हैं, इनके ग्राफ्स किस तरह से बनाए जाते हैं, तो हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। देखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ऊपर, एंड डिवाइड में आ जाएगा टाइम टेकन, कि कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा वो यहाँ पर हो जाएगा। या फिर स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ये क्या होगी? स्पीड होगी। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, देन इट्स स्पीड वी इज गिवन बाय v इक्वल्स टू s अपॉन t। यहाँ s क्या है? ये डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल की गई है, टाइम जो टोटल टाइम लगा है वो स्मॉल t है, एंड v का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी से नहीं है, यहाँ v का मतलब है स्पीड से। अब नोट आपको करना है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्यों स्केलर होती है? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, बट नेवर नेगेटिव। स्पीड ऑफ रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, एंड स्पीड इज मेजर्ड इन, देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है डिस्टेंस और ये है टाइम, तो डिस्टेंस को हम यूनिट में लिखते हैं मीटर, एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में भी लिखा जा सकता है। या फिर हम CGS सिस्टम की बात करें, तो CGS सिस्टम में हम इसको मीटर की जगह सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन सेकंड की जगह सेकंड ही आएगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड ये हो जाएगी CGS सिस्टम में, और मीटर पर सेकंड की अगर बात करें तो वो SI सिस्टम में यूनिट होगी। अगर हम बात करें किलोमीटर पर आर की, इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम इन्वॉल्व्ड आर लार्ज, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, तो हम किसी भी कार से मूव कर रहे हैं, तो कार की अगर स्पीड अगर बात करें तो पर आर के हिसाब से होगी वो, और वो जो होगी किलोमीटर में होगी, क्योंकि कार हम लेके जा रहे हैं तो किसी कुछ मीटर के डिस्टेंस के लिए तो हम उसको नहीं लेकर जा रहे हैं, तो हम कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए कार में बैठते हैं, उसको लेकर जाते हैं, तो वहाँ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए एंड लार्ज टाइम के लिए हम लार्ज यूनिट्स यूज़ करते हैं, यानी किलोमीटर पर आर में हम उसको यूज़ करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड की अब बात कर लें। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इक्वल इंटरवल है टाइम के भी, और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो भी इक्वल है, तो जो मोशन होगी, सॉरी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म मोशन क्या थी? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। वेरिएबल स्पीड क्या होगी? देखिए, अगर वेरिएबल स्पीड की हम बात करें, जो चेंज होती रहती है, द अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट इज कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। तो इंटरवल्स कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, इससे मतलब नहीं है। अगर हम बात करें
इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस की, किसमें इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो वो होगी वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी? देखिए, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर नॉर्मली हम बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम की तो वो होती है स्पीड, लेकिन अगर एवरेज स्पीड निकालनी है हमें तो वो होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एग्जाम्पल, लेट अ कार कवर्स फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 35 किलोमीटर इन हाफ आवर, एंड लास्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर, देन द एवरेज स्पीड इज। एवरेज स्पीड क्या होगी? इसलिए 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर, ये जो ट्रेवल्ड जो डिस्टेंसेज हैं वो टोटल लिखा है, डिवाइड में टोटल टाइम आएगा। फर्स्ट जो डिस्टेंस 25 किलोमीटर की है वो 1 आवर में इसने कंप्लीट की, सेकंड हाफ आवर में, एंड थर्ड जो है वो 1 आवर, तो 1 + 1/2 + 1, ये जो टोटल टाइम हुआ एंड टोटल डिस्टेंस हुई उसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे वैसे ही 36 किलोमीटर पर आ आएगा, तो ये उसकी एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, अगर वहाँ पर स्पीड क्या होती है? चेंज होती है। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी जो भी स्पीड है वो कैसी होगी, किसी इंस्टेंट पर हमें निकालनी है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, अगर टाइम टेकन है हमारे पास और डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है और साथ साथ डायरेक्शन आ रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस है तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी कैसी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। वेलोसिटी कैन बी आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज, दो वेज से वेलोसिटी जो है वो चेंज की जा सकती है, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, अगर स्पीड हम बॉडी की चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड को तो कांस्टेंट रखा जाए लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये दो वे हैं वेलोसिटी चेंज करने के। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमने बात की स्पीड की तो वैसे ही अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो देखिए, चाहे से डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को हम अगर SI सिस्टम की बात करें तो मीटर में हम लिखते हैं, तो SI सिस्टम में ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। CGS की बात करें तो मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, लेकिन अगर लार्ज डिस्टेंस एंड टाइम की हम बात करें तो उसमें हम किलोमीटर पर आवर के साथ वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। अब आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो ऐसी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नो एफर्ट और फोर्सेस इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कोई भी एफर्ट्स या फोर्सेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेरिएबल वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन और बोथ चेंज विद टाइम, अगर कोई स्पीड हो रहा है, स्पीड या फिर डायरेक्शन की बात करें, उन दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है या फिर दोनों चेंज हो रही है,
तो वो होगी वेरिएबल वेलोसिटी, यानी वहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, वो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर आएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, यानी वेरिएबल होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है ये। और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी एक इंस्टेंट पर हम अगर वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें स्पीड एंड वेलोसिटी में, तो डिफरेंसेस क्या क्या हैं, स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, लेकिन ये क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो ये वेलोसिटी होगी। स्पीड के अंदर हम डिस्टेंस एंड टाइम को डिफाइन करते हैं। सेकेंड है स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन की बात करेगी, मोशन जो है, जो बॉडी की जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है उसको डिफाइन करने के लिए हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ हम बात करें, स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो, एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो वो क्या होगी, एक्सीलरेशन होगी। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये भी लिखा जा सकता है। सपोज अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, changes to final velocity v in time t, then a equals to v minus u upon t, यानी कि final velocity minus initial velocity upon time taken। Note आपको क्या करना है, acceleration is a vector quantity, क्योंकि acceleration में यहाँ पर change in velocity है, velocity जो है वो direction को बताता है, तो direction को बताता है, इसलिए velocity क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मूवमेंट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी का जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी अपॉन टाइम को बताता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एंड डिवाइड में टाइम आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एसआई सिस्टम में। लेकिन अगर हम बात करें सीजीएस में तो मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की। अगर लार्ज हम डिस्टेंस एंड लार्ज टाइम की बात करें तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा, किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट इज इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर इक्वल अमाउंट है, इक्वल टाइम इंटरवल है, किसका, स्पीड का, वेलोसिटी एंड टाइम का, दोनों का इक्वल अमाउंट है, देन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अगर ये जो बॉल है फ्रीली अगर मूव हो जाए यहाँ पर, तो वो क्या होगी, द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में होगी वो। द मोशन ऑफ अ स्लाइडिंग ब्लॉक, ये स्लाइडिंग ब्लॉक है, ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यहाँ से ये जो बॉक्स है ये अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहलाएगा, कब, जब ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होगा, स्लाइड कर रहा होगा। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ये कहलाएंगी दोनों ही ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर बॉल फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और ये एक बॉक्स है जो यहाँ पर स्लाइड डाउन कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल तो इक्वल रखेंगे लेकिन उस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, अनइक्वल अमाउंट्स में होगी, तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर रेट जो है उसकी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो क्या होगा, वो बॉडी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहलाएगी। एग्जाम्पल क्या है, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड, इट्स स्पीड वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। उसमें ब्रेक लगता है, जैसे ही ब्रेक लगेगा स्पीड कम ज़्यादा होगी, गाड़ी रुकती है, गाड़ी स्पीड पकड़ती है, गाड़ी कम स्पीड में होती है, तेज स्पीड में होती है, तो लगातार कंटिन्यूसली उसमें चेंज आ रहा है, तो ये जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कार होगी। अ बॉडी इज सेट टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, रिटार्डेड कहलाएगी। अ कार इज डेसिलरेटिंग टू कम टू अ हाल्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है मोशन का, तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस एंड टाइम का इक्वल अमाउंट है यहाँ पर और किसके इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो यहाँ पर द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी। ये क्या है, ए बी यानी डिस्टेंस हो गई और ओ बी क्या है, टाइम हो गया, तो ए बी अपॉन ओ बी ये स्पीड होगी, स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड होगी ये। द एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, द एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये जो एरिया है ए बी सी डी गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टाइम टी वन एंड टी टू सेकेंड। यहाँ पर आपको दिख रहा है बी पॉइंट पर टी वन टाइम है, सी पॉइंट पर टी टू टाइम है, तो टी टू से टी वन टाइम के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसको ये इंडिकेट कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात हो रही है, तो ये जो ग्राफ है वो रिटार्डेशन का है और ये एक्सेलरेशन का है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन ये जो ग्राफ है वो रिटार्डेशन का है। स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर जो ए बी है और डिवाइड करेंगे इसको ओ बी से, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसको बता रहा है, एक्सेलरेशन को बता रहा है। द एरिया ऑफ ए ओ बी, ये ए ओ बी ये जो एरिया है गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो आपको एरिया देगा। द एरिया ऑफ ए ओ बी गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ बी, ए ओ अपॉन ए बी। ये क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, ये नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन बोलेंगे। द एरिया ऑफ ए ओ बी गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो नहीं है, तो हम इसको ओ से ना लेकर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से हम इस ग्राफ को इस तरह से बनाएंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी, ये ए बी है और ये ओ बी है, तो ए बी अपॉन ओ बी ये क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। द एरिया ऑफ ओ सी ए बी गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये ए
ये अपने पास एरिया है ओ सी ए बी, ये जो आपको एरिया दिख रहा है वो किसके बारे में बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में बताता है। तो आज हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं इनको आप नोट कर लीजिए, और जो भी आपको कोई डाउट या क्वेरीज हैं और या फिर कोई इसके रिलेटेड आपको और कोई अदर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।